सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। इंडोनेशिया में एक महिला लापता हो गई थी, मगर जब परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की तो वो महिला उस जगह पर मिली जिसकी कल्पना मात्र से ही शरीर में सिहरन सी दौड़ उठती है। दरअसल शनिवार को पुलिस ने बताया कि इंडोनेशियाई महिला अपनी सब्जी के बगीचे में देख रेख कर रही थी, जिसके बाद वो गायब हो गई। मगर बाद में जब खोजबीन शुरू हुई तो वो एक विशाल अजगर के पेट में मिली। 54 वर्षीय वातीबा का शरीर शुक्रवार को उस वक्त मिला जब ग्रामीणों ने 7 मीटर यानी कि 23 फुट लंबे अजगर के पेट को चीरा। दरअसल गांव वाले जब महिला की तलाश कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक अजगर दिखा जिसका पेट फूला हुआ था। उसके बाद लोगों को इस बात पर संदेह हुआ कि हो सकता है कि महिला को इस अजगर ने निगला हो। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने कहा कि स्थानीय निवासियों को संदेह था कि सांप महिला को निगल गया था, इसीलिए उन्होंने इसे मार डाला। फिर इसे बगीचे से बाहर ले जाया गया। इसके बाद सांप के पेट को चीरकर खोला गया और उसमें पीड़ित महिला के शव को निकाला गया। गुरुवार की रात को जब महिला घर पर वापस नहीं आई तब परेशान घर वालों के साथ साथ करीब 100 लोगों ने खोजबीन शुरू की। गाँव वालों ने पीड़ित महिला तीबा के सैंडल और कुल्हाड़ी से करीब 30 मीटर की दूरी पर सांप को पाया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अराइव 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।